प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद साहित्य संस्थान द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा उनकी स्मृति में नाट मंचन किया गया। इस अवसर पर प्रेमचंद साहित्य संस्थान की पत्रिका कर्मभूमि और संस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव पर केंद्रित प्रकाशित पतहर पत्रिका के नवीन अंक का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर अलग कला समूह द्वारा प्रेमचंद की 3 कहानियों पर आधारित नाटक किस्से प्रेमचंद के का सजीव मंचन किया गया। तत्पश्चात द राइटर्स अड्डा द्वारा 12 युवा रचनाकारों की मानसरोवर कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के मनोज सिंह ने कहा, 15 दिन पहले तथा सम्राट अमर रहे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भाई। स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। दवा टाइम से ले रही हो ना? देखो का कोई भी जरूरत हो, कोई भी तकलीफ हो, तुम हमसे कहना और दवा टाइम से लेते रहना। अच्छा बेटवा, ए बेटवा, एक बात है, बहुत दिनों से मन में चल रहा है। कह रहे हैं हमारी जो थोड़ बहुत संपत्ति है अपने अबे बहुरिया रूपा के नाम से करवाए लो, सुनत नहीं हो बेटा। अरे जिंदगी के कौन ठिकाना है बेटा। अरे काकी, ये देखो, कल शाम को हम कचहरी से कागज लेके आए हैं, तुम बस यहाँ पे अपना अंगूठा लगा दो। हाँ, यहाँ लगाओ, अंगूठा अपना लगा दो, वहाँ नहीं, यहाँ लगाओ, यहाँ, ये हाँ, एक जगह और है काकी, यहाँ लगाओ, ये हाँ, यहाँ काकी। अरे बेटा बुद्धिराम, अरे बेटा तनी बाहर जा थो, तू तनी हमार दवाई लेता ना बेटा। अरे राम, अरे काकी, कल ही तो आपकी दवा लाया था, आपका तो एक ही काम है, दिन भर दवा 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 करती रहती है। हमारे पास इतने सारे काम है, हम उनको छोड़ के आपकी दवा लें? क्या आप ये चाहती हैं कि हम अपना सारा काम छोड़ के आपकी दवा फिर पर पड़ जाए? और तुमको बार बार कहा जाता है कि तुम घर में रूम में बैठा करो, तुम यहाँ भी बाहर क्यों आके बैठा हो? हम तुमको कहा जाता है बार बार बैठो रूम में, चलो उठो उठो उठो, आना मत दूर, चलो चलो। तुमको बोला जाता है एक बार का समय, जो देसी अपनाओ और विदेशी भगाओ। घर में एक सेट नमूने पड़े ऐसी तैयारियां करेंगे कि ये हमारे गांव के जो लोग हैं ना, वो देख के भौचक के रह जाएंगे, एकदम जम के तैयारियां करेंगे। लग रहा है भंडारे में नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, अभी नरम नरम पूरियां बनती होंगी, अब कचौरियों में तो
अजवाइन और इलायची की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, और मसालेदार सब्जियों का तो क्या कहना, क्या खुशबू आ रही है। आज तो लाडली बिटिया भी नहीं दिखाई पड़ रही है कि पूछू भंडारे में क्या बन रहा है। अच्छा जाने देते हैं, चलते हैं, हम देखते हैं भंडारे में क्या क्या बन रहा है। और प्रेमचंद जयंती पर इस बार दो दिन का कार्यक्रम किया गया है। कल इप्टा की गोरखपुरी इकाई द्वारा प्रेमचंद की कहानी चमत्कार पर आधारित नाटक का मंचन हुआ, और आज अलग कला समूह ने प्रेमचंद की तीन कहानियों पर आधारित नाटक किस्से प्रेमचंद का मंचन किया है। और इसके बाद द राइटर्स अड्डा द्वारा मानसरोवर नाम की एक प्रस्तुति की गई है, जिसमें 12 युवा कथाकार अपनी कहानियाँ उन्होंने सुनाई है। और साथ ही प्रेमचंद साहित्य संस्थान की जो पत्रिका है कर्मभूमि, उसका लोकार्पण हुआ है। और इसके अलावा एक और पत्रिका जो पतहर है, जो महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका है, उन्होंने प्रेमचंद साहित्य संस्थान के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव का केंद्रित अंक निकाला है, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। तो ये दो दिन का कार्यक्रम प्रेमचंद साहित्य संस्थान द्वारा प्रेमचंद जयंती के अवसर पर यहाँ पर सम्पन्न हुआ है।